नमस्कार, मैं शोभा राम, फार्मर जर्नलिस्ट, कृषि जागरण की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 दिन से हो रही अयोध्या जनपद में झमाझम बारिश से धान के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा। धान की फसल बहुत अच्छी है। जो धान निकल चुके हैं उनकी तो बात अलग है, उनमें फसल पकने में ज़्यादा समय नहीं है। धान तो अभी हमारे क्षेत्र में बहुत खूबसूरत तैयार होगा। सब्जी किसानों के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह से जल भराव में सब्जी किसानों की लगभग नर्सरी बर्बाद हो गई है और फसल भी गिर गई है। गन्ने की फसल भी बहुत तेज़ी से गिर रही है। हवा भी काफ़ी तेज़ है। अभी मौसम पूर्वानुमान की तरफ से जो है जो सूचना मिलती है वो बता रहे हैं कि अभी कम से कम 4 दिन जो है भारी बारिश होने की संभावना है, 3 से 4 दिन। तो इसमें किसान भाई थोड़ा ध्यान दें, जो आप खेत में पानी जहां जल भराव हुआ है उस खेत के पानी को निकालने के लिए व्यवस्था बनाएं, आगे जो है कटिंग कर दें जिससे पानी खेत का उतर जाए, सब्जी खेत में पानी ना भरा रहे। धान के खेत में पानी रहेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दें किसान भाई इस पर। सब्जी किसानों के लिए तो बहुत नुकसान है, बाकी धान के लिए और जो भी फसल है सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी वाटर लेवल भी इससे काफ़ी अच्छी रहेगी। ये पानी जितना संरक्षित रहेगा अपने पास उतना ही बेहतर होगा आगे सिंचाई के लिए। तो रास्ते बनाया जाए पानी के लिए, जो तालाब से होकर गुजरे, जो तालाब में पानी इकट्ठा हो जाए, छोटे बड़े जो तालाब हों, इस तरह से पानी को संरक्षित किया जाए और कोशिश किया जाए कि जो धान का खेत है उसी में पानी को बगल से उतार दिया जाए जिससे फसल को नुकसान ना हो। पौधों के पास मौसम निकलने के बाद इसी तरह से मेढ़ बनाया जाए जिससे पौधों के पास पानी का जल भराव ना होने पाए और नुकसान से फसल की बचाव हो सके। बारिश होते समय किसान भाई कुछ इस तरह से नर्सरी को ढक के रखें ताकि पानी तेज़ी से गिरने पर नर्सरी का नुकसान ना हो और जो नर्सरी जम आई है उसके आसपास से पानी ना आने पाए। ऊंची जगह बना के रखें, जिस तरह से ढक कर रखेंगे तो यही बारिश के निकलने के बाद नर्सरी आपकी अच्छी तैयार होगी। और इस तरह से धान के खेत में पानी देखा जाए तो धान के खेत में इतनी बारिश होने के बाद पानी नहीं दिख रहा है, जबकि खाली खेतों में पानी बहुत भरा हुआ है। ये हमारी धान की फसल है, इसमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस समय, तो पानी इसमें ऊपर वाले दे ही रहे हैं। फसल इस साल बहुत बेहतर है। और ये टमाटर की नर्सरी तैयार है, बारिश की वजह से थोड़ा पीली पड़ गई है, अभी जैसे मौसम सही होता है इसको लगवाते हैं। एक चीज़ ये देखने को मिला कि नर्सरी में पानी इतना गिरने के बाद भी नर्सरी बहुत अच्छी है, यानी पानी का सहन शक्ति है इस पौधे में। आप सभी का कृषि जागरण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।